नीलांग चौधरी ने बड़ा 400 का पास, उनके सांसद ने उसके पेट से सच्चाई निकल गई, उसने खुद स्वीकार किया, मन से स्वीकार किया, पब्लिक के बीच में कहा 400 के पार का हम लोगों ने संकल्प लिया है, एक बेर 400 का पार पा जाए गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हटा के नया संविधान लिखे। तो क्या देश की जनता यही चाहती है? आज सवाल, कितने लोग चाहते हैं कि यह संविधान हटा दिया जाए बाबा साहब का, और कितने लोग चाहते हैं कि यह संविधान बचा रहे ताकि हमारे देश का लोकतंत्र बचा रहे? लेकिन जहां तक ये मौका था बोरियावा 25 किलो का कह दे, 25 किलो का बोरियावा कह दे कि और आसान हो गया, मैं कभी हाथ से काट के वो तो हर सुविधा खातिर होता कि तो हर गला काटे खातिर। अभी बहुत आदमी ने खा जाना सुविधा के लिए पाले थे। नीरव मोदी का नाम सुनने वाला क्या? नीरव मोदी, हाँ किशोर कुछ आदमी सुनने वाला। ललित मोदी का नाम, मेहुल चौकसी का नाम, गिरावा कलयुग का देवता लोगों का कर्तव्य, इन लोगों का कर्तव्य सुन लो, कुछ देवी देवता हो ना कुल समस्या का समाधान उनका पास हो। तब विजय मालिया जो मोदी जी कहले रहे पहले का तुम चोर चुरा के ले गए तो हम जाए 100 दिन में वहां से काट के लिया है बटवा दे, अब अदमी ताकत हुआ के हाउ आवा कर जल्दी जल्दी जन धन का खाता खुला था, लाइन लगा था, आईएनए विजय मालिया 9,000 करोड़ रुपया गठरी बांध के अल्ले के चंपक इंग्लैंड। मोदी जी कहला कि हम तो राजा नहीं भैया, हम चौकीदार बनी है देश को, हम प्रधान सेवक हैं। 9,000 करोड़ रुपया लेके ये बतावा कि विदेश जाए खातिर तो जहाज से लौड़े के पड़ी, पासपोर्ट कहाँ बने, वीजा कहाँ मिली, कहाँ परमिट बनी विदेश चल जाकर, एगो ना गए 30 गो गए वहां। मेहुल चौकसी को तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया कि आप दुनिया के जिस देश में चाहिए बस जाइए, 11,000 करोड़ रुपया लेके भागा। ललित मोदी भागा, नीरव मोदी भागा, ये गवा में कहना आदमी की चोर चोर नौसियाऊ भाई तई चौकीदार का मिली भगत से भैल बा कि लुकवा के भागे तो तोहनों के कुछ बुझा दई चकमा, देश को कंगाल कर दिया, टैक्स इतना बढ़ा दिया कि कौनो चीज बकिए नहीं खे, कफन तक पे टैक्स, बच्चों के पढ़ने वाली किताब पे भी टैक्स है, कौनो चीज बाकी नहीं खे जिस पे टैक्स न लगा दिया। जितना रुपया आवता है लेके चकबंदी कर देते हो सो हम वहां जाके गावत हुआ सो क्लब में डांस करते हो सो कि सैया फैल कोतवाल डर का है। इधर आ गए 2024, अब कहते हैं कि फिर हमके फिर आपकी मांगत नहीं खा के हमके बना देगा, एक को बेर ना कहो हाँ कि भारत का जनता हमके बना देगा, हम महंगाई खत्म कर दे, जैसे पहलवा कहले रहा कि 450 वाला सिलेंडर 250 में बिकवाई, 58 रुपया वाला डीजलवा 50 रुपए के नीचे कर दे, 64 रुपए वाला पेट्रोल 50 रुपए के नीचे रही। अब तोहरा इलाका में जौन हो खेले लेकिन हमके तो ये मालूम बा कि 100 रुपया पेट्रोल हो गया 90 रुपया डीजल भैल बा, आहे सिलेंडरवा तो कितना घर में से डगरा के बाहर बदलने लोग 1100 का 1200 हो गए। अब की मोदी को तो तीसरी सरकार बनानी है तो इस बार बड़ा खतरनाक मंसूबा है, जनता से कोई मांग नहीं, अब की अपने ऐलान कर दे कि अब की बेर 400 पार, कहीं घरे जाके सुतिया जा अब तो सोचिया जा, 400 सीट का पार अब कुल 543 गो सीटिए बना, अब बेचारू लिस्ट निकल रहा हाँ कि कितना आदमी हमारा पार्टी से लड़ी ना, तो अब ही ले 195 आदमी का नाम आयल बा कि है आदमी पूरा देश का हई प्रांत में इतना इतना आदमी लड़िया, उत्तर प्रदेश में वही 195 में 51 आदमी का नाम आयल खातिर कहले कि 80 गो बार 80 जीत। आप बताइए अब ही नाम नहीं खेत कि गाजीपुर से के लड़ी मोदी जी का लेफ्टिनेंट,
लेकिन सिटी आरसीओ जीत गई। तो कुछ घपला बाकी ना, कुछ चकमा बाकी ना। अब न केव पर्चा भरल न वोट पड़ल आ न गणना भे और अपन ऐलान कर दिले बड़ा 400 का पार। उनके सांसद ने उसके पेट से सच्चाई निकल गई मुंह से, उसने खुद स्वीकार किया, मन से स्वीकार किया, पब्लिक के बीच में कहा 400 के पार का हम लोगों ने संकल्प लिया है, एक बेर 400 का पार पा जाए तो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हटा के नया संविधान लिख दे। तो क्या देश की जनता यही चाहती है? आज सवाल है, कितने लोग चाहते हैं कि यह संविधान हटा दिया जाए बाबा साहब का, और कितने लोग चाहते हैं कि यह संविधान बचा रहे ताकि हमारे देश का लोकतंत्र बचा रहे? अरे हाथ उठा के बताओ। ये हटावन चाहत हो गए बात उठा, लेकिन ये चाहत है कि यह संविधान बाबा साहब का ये 75 साल से देश चला था, वह संविधान रहो, तू सवाल उठाओ भैया। पत्रकार लोग पढ़ रहे फोटो ले जाता, सभी चाहते हैं, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, गांव का रहने वाला इंसान चाहता है कि संविधान जो दे गए बाबा, उसी संविधान के रास्ते से देश चलाओ, उसमें सबका भविष्य सुरक्षित है, सबका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन ये चालाक लोग हैं, ये धोखा करने पे आमादा है। गांव की जनता को 5-6 अनाज देके भुलवा दिए। मोदी जी ने कहा था कि अगर सरकार बनेगी तो किसान का आमदनी दुगना कर देंगे, कहले रहो मैं याद बा, आमदनी तो दुगना ना भले भैया, खर्चा चार गुना हो गए। अब भाई बड़वा में पहले खेत जोतात रहो चाहे देवरिया में, तो 250-300 रुपया पे एक बीघा खेत एक चाच जोता जात रहा, पहले वहां जब ना रहना बेचार, आज जोता 1000 रुपया हो गए, बाकी देखे हो गए तो खर्चा तक चार गुना हो गए। आमदनी कहां किसान की बड़ी? किसान टमाटर पैदा करता है तो वो घड़ी बाजार में लेके जाइबो ना जंगीपुर बाजार तो 2 रुपया किलो, नहीं तो 4 रुपया किलो जमनिया लेके बेच के देख लिया अपन, किसान जहिया पैदा कर। लेकिन जहिया बड़का बड़का उद्योगपति अदानी और अंबानी का गोदाम में पूरा देश का टमाटर किना के रखा जाए तो यही भारत में यही साल बिकाई है टमाटर 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो। ये दोरी व्यवस्था है कि नहीं? जिसने पैदा किया उसको मिलेगा 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया मूल्य, और जो खरीद के रख लिया उसको मिलेगा 50 रुपया 60 रुपया मूल्य। बताइए ईमानदारी से, इस भारत में 300 रुपया किलो लहसुन बिकाई लखना, 400 रुपया किलो अदरक बिकाई लखना, यही मोदी के राज्य में बोलिए। आपके सवाल है, गांव भर के लोग तो अदरक 400 रुपया बिकाता, लहसुन 300 और 400 रुपया बिका गए, कोई 500, कोई जो चाहे जितना बेच लो, कोई संतुलन नहीं। बाहर एक व्यवस्था चलाने वाले, आपसे कहा जा रहा है कि किसान का कुछ कल्याण कर दीजिए, किसान पे खर्चा का बोझ बढ़ गया, तो मोदी कहला दिल्ली में कि हम बहुत दयालु हैं किसान खातिर, तो हमारा दिल में बहुत दर्द बा, ये बेचारा 50 किलो का बोरिया कपार को उठा ले रहा था तो मौर निहुर गया, कम कह दे रही हूँ मैं घटा के 40 किलो कह दे रही हूँ, कबाड़ी में धोखे खेते लेके 40 किलो किलो का कष्ट दूर घटे बाकी ना 10 किलो पा गई मौका तो बोरियावा 25 किलो का कह दे, 25 किलो का बोरियावा कह दे कि और आसान हो गया, मैं कहीं हाथे से टांग के वो तुहार सुविधा खातिर होता कि तुहार गला काटे खातिर होता। विचार इस पे करता है कि ये चकमा देने वाले, झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले लोग हैं, और धोखाबाजी से 10 साल की राज में किसी को नौकरी दिया नहीं, जिसकी नौकरी थी वो भी खत्म कर दिया।